Welcome to analysis Hall. Please like and subscribe for further notifications. Thank you. Hello students. This is your question paper pattern for your external exams that are going to come. Now there is uh, there will be a note on your question paper, attempt all questions from all sections side per instructions. So Jesse he आपको जिस हिसाब से सेक्शन वाइज जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो फर्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन ए इसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। आंसर ऑल द फाइव क्वेश्चन तो इसमें आपको पाँच क्वेश्चन आएंगे जो आपको सब करने हैं ऑल द फाइव ईच क्वेश्चन कैरी थ्री मार्क्स और हर एक आंसर का आपका मार्क होगा थ्री मार्क का वेरी शॉर्ट आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड एक्सीडिंग सेवेंटी फाइव वर्ड्स तो इसमें आपको सेवेंटी फाइव वर्ड्स तक ही अपना आंसर लिखना है और पाँच आंसर करने हैं थ्री थ्री मार्क्स के तो ये आपका सेक्शन ए हो जाएगा फिफ्टीन मार्क्स का नाव वी विल मूव वॉन्ट टू सेक्शन बी सेक्शन बी इज़ ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर एनी टू क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चन तो आपको उस सेक्शन बी में तीन क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको जो भी दो आते हैं वो आपको करने हैं ईच क्वेश्चन कैरी सेवन एंड हाफ़ मार्क्स तो एक आंसर का आपका मार्क होगा सेवन एंड हाफ मार्क्स का शॉर्ट आंसर इज़ रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग टू हंड्रेड वर्ड्स और टू हंड्रेड वर्ड्स तक ही आपको वो शॉर्ट आंसर अपना कंप्लीट करना है तो आप जब सेवन एंड हाफ़ और सेवन एंड हाफ़ के दो आंसर्स जब आप करेंगे तो आपके फिफ्टीन मार्क्स का हो जाएगा सेक्शन बी Now we will move on to section C. Section C will be of a long answer type questions and you have to answer any three questions out of the following five questions. मतलब इस section C में आपको पांच questions दिए जाएंगे, जिसमें से आपको जो भी अच्छे से आते हैं, वो आप तीन questions कर लेंगे. Each question carries 15 marks और हर एक answer का mark होगा कितने mark का होगा? 15 marks का. आंसर इज़ रिक्वायर्ड इन डिटेल तो इसमें वर्ड लिमिट कोई नहीं है जितनी आप डिटेल लिखना चाहें उतनी लिख सकते हैं तो फिफ्टीन 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 इसके आप तीन आंसर लिखेंगे तो ये आपका सेक्शन सी हो जाएगा फोर्टी फाइव मार्क्स का तो अब आपका टोटल ये क्वेश्चन पेपर आएगा सेवेंटी फाइव मार्क्स का तो सेक्शन ए बी सी का टोटल करके सेवेंटी फाइव मार्क्स आपके इस तरह दिए गए हैं तो अब आपको समझ आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ मार्क्स एंड करेक्ट क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स बच्चों